हाय हेलो, इंस्टेंस रेसिपी विद सोनाली में सबका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं रेडीमेड पिज्ज़ा बेस से पिज्ज़ा इन माइक्रोवेव। बहुत इजी प्रोसेस है। हम बाहर से रेडीमेड पिज्ज़ा के बेस लेके आएंगे तो झटपट हम घर पे पिज्ज़ा बना सकते हैं। चलो तो हम पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड पिज्ज़ा बेस लिया है, उसके साथ ओरिगोनो लिया है, पिज्ज़ा मिक्स हर्ब्स लिए हैं, उसके बाद चिली फ्लेक्स लिए हैं और अमूल का चीज़ लिया है, चीज़ क्यूब जो मिलते हैं वो। और यहाँ पे मैंने सम सब्जीज काट के लिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च चॉप करके लिया है, ऑनियन चॉप करके लिया है, थोड़े सा कॉर्न उबाल के लिया है और टमाटर लिया है। उसके साथ हमने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। हमें यहाँ पे पिज्ज़ा पास्ता सॉस लेना है जो मार्केट में उपलब्ध होता है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर ओटेकर का पिज्ज़ा सॉस लिया है। सबसे पहले हम पिज्ज़ा बेस पर ये पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये मार्केट में इजी से उपलब्ध होता है, मिल जाता है, नहीं तो आप किसी भी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छी सी लेयर पिज्ज़ा सॉस की लगानी है। उसके बाद हम सब्जियां स्टफ करेंगे, ऊपर से सब्जियां रख देंगे। Thank you.
करके लेंगे। पिज्ज़ा बनाने की प्रोसेस आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।